सोलन वासियों को जल्द ओपन एयर जिम की सुविधा मिलेगी। ये जानकारी वार्ड नंबर 6 के मनोनीत पार्षद भरत सहानी ने प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि ओपन एयर जिम शुरुआती तौर पर जवाहर पार्क में स्थापित किया जाएगा, जिसमें करीबन 8 मशीनें लगाई जाएंगी और नगर परिषद के सहयोग से इस ओपन एयर जिम पर करीबन 5 लाख रुपए खर्च आएंगे। मनोनीत पार्षद भरत सहानी ने बताया कि ओपन एयर जिम जवाहर पार्क में स्थापित किया जाएगा। स्थानीय लोग पार्क में सुबह की सैर के साथ कसरत भी कर पाएंगे। ये सुविधा शहर वासियों को बिल्कुल निःशुल्क दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर ये प्रयोग सफल हो जाता है तो इस तरह के जिम अन्य वार्डों में भी लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये ओपन एयर जिम हिमाचल का पहला जिम होगा जिसे नगर परिषद बनाएगी। इसका उद्देश्य है कि जो युवा निजी जिमों में भारी फीस नहीं दे पाते और जो वृद्ध पार्कों में सैर के लिए आते हैं, वे कसरत करके अपने शरीर को रिष्ट पुष्ट कर सकें। पहला ओपन जिम जो कि हिमाचल का पहला ओपन जिम होगा, ओपन एयर जिम, जो कि वार्ड नंबर 6 के जवाहर पार्क में बनेगा। और ये ओपन जिम लगाने का उद्देश्य ये है कि जो बच्चे आज की डेट में मोबाइल्स में और नशे के अंदर और खेल कूद छोड़ करके जो लोग प्राइवेट जिम्स के अंदर फीस नहीं अफोर्ड कर सकते, उन लोगों के लिए ये योजना है। जो कि हरियाणा में भी आपने देखा होगा ओपन जिम्स बहुत बने हैं, उस तरह से ये पहला ओपन जिम पूरे डिस्ट्रिक्ट का और पूरे हिमाचल प्रदेश का माननीय सांसद जी ने जिसके लिए 2.5 लाख रुपए हमें दिए, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा साथ में नगर परिषद अध्यक्ष का जिन्होंने 2.5 लाख रुपए अपनी तरफ से और इसको 5 लाख रुपए के राशि से ये पहला ओपन एयर जिम जो कि सोलन की जनता के लिए बनेगा। सोलन से अमरप्रीत पुंज की रिपोर्ट।